ऋतु है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। 3-4 दिन से आ नहीं रहे थे आप टीवी पे। जी मैम। हाँ। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है आपका ऋतु जी। और ठीक हो? जी जी बहुत बेहतर, आप कैसे? हाँ मेरा भी अब पेट का दर्द ठीक है सर। बहुत मुबारक ऋतु जी। हाँ वो खा रही हूँ ना, बेलगिरी का मुरब्बा बताया था आपने। हाँ उससे ठीक है अब मेरा। और मेरे ना एक पड़ोसी है सर, उनको ना थायराइड है और बीपी है और उनका वेट ज्यादा है और घुटनों में और कुंडलियों में दर्द रहता है। और एक मेरे पड़ोसी आए हैं यहाँ पे बैठे हैं, उन्हें पूछना है अपने बारे में, उनसे बात कर लीजिए एक बार। ठीक है। हेलो। जी मैम। जी नमस्ते। ये पड़ोसियों, जय हिंद, स्वागत आपका। नमस्ते सर। जय हिंद, आदाब, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है। पहले तो एक तो मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है और जी ये घुटनों में भी दर्द होता है और जो हाथ की गांठ है इस साल इस सर्दियों में उनमें भी बहुत दर्द हुआ है। और सर मेरे पेट में जो है, पेट में भी मतलब गर्मी की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है ठीक। और ये सफेद पानी की भी मेरे को बहुत ज्यादा शिकायत है। ठीक है। आपकी आयु और बता दीजिए। मेरी आयु सर 41। ठीक है। अच्छा देखिए, गौन सिया आपकी पड़ोसन जानती हैं ऋतु जी। गौन सिया आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं, लेकिन असली ले लें, नकली का कोई भरोसा नहीं है। तो ये आपके जो डिस्क की प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम्स है ये अच्छी होना मुमकिन है। और एक आता है नमक जैतून, वो एक चुटकी में जितना आए बस इतना नमक जैतून, और ये पी लिया करें रोज़ाना 1 बार या 2 बार। आपकी सारी समस्याएं, यानी पेट की समस्या और सफ़ेद पानी की समस्या, इसके साथ पूरा पेट का, एब्डोमन का, किडनी का, लीवर का, सबका, सबको ये और हार्लिंग करती है, यानी बिल्कुल धो मांज के सब अच्छा कर देती है और आपको फायदा होना मुमकिन है। जी जयपुर से हैं अमान, स्वागत है आपका। हेलो अमान जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो। हेलो जी, बताइए सवाल करिए। सुनो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकील साहब मैं वो दोबारा पतला हूँ। हेलो। जी जी दुबले पतले हैं। हाँ। उम्र कितनी है आपकी? 21 साल। 21 साल जी। और देखिए 4 खजूर, 2 केले और 2 अंजीर ये आप लें और दूध में शेक बना लें, इनका मिल्क शेक जैसे बनाते हैं, और इनको आप सुबह 1 गिलास और शाम 1 गिलास पिया करें। आप जैसे चाहें अपनी सेहत जितना चाहें अच्छी कर सकते हैं, बुराइयों से बचें और ये इस्तेमाल करें। जी गणेश जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मुझे ग्रेड 4 वेरिकोसिली मैम। क्या दिक्कत परेशानी है? वेरिकोसिली वेरिकोसिली वेरिकोस दर्द है नसों में, कौन सी जगह पर, क्या नसें नजर आती हैं? हाँ हाँ सर, वो लेफ्ट साइड में ग्रेड 4 वेरिकोसिली सर, तो उसकी सर पहले सर्जरी करवाई सर, लेकिन वो फिर से डेवलप हो गया। अभी दर्द है? नहीं दर्द तो अभी नहीं है, पर ग्रेड 4 वेरिकोसिली इसमें भी है। ठीक है जी। अलसी भून लें हल्की सी,
अलसी हल्की सी भून लें, और ज़्यादा नहीं भूनना, हल्की सी भूनना है, और पाउडर बना के रख लें। आधा ग्राम गौंसिया और आधा चम्मच अलसी में मिलाकर रोज़ाना एक बार इस्तेमाल करें या दो बार। खाने के बाद दूध या पानी से लेना बेहतर है। आप अगर ये लगातार लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाली जी। आपका सवाल? मैम कान का ना एक पर्दा लीक हो गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी ठीक, एक काम करें कि लहसुन तो आप जानते ही हैं, लहसुन लें, उसे छीले नहीं, बगैर छीले आप लहसुन तेल में फ्राई करें। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर उसे निकाल लें फ्राई पैन से, और फिर उसको छीले फ्राई करने के बाद, और ऐसे 5 लहसुन के पीस या उससे ज़्यादा रोज़ाना खा लिया करें और पानी पी लिया करें। ऐसा करने से आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है जी। करनाल से हैं प्रेमचंद त्यागी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। स्वागत करनाल वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत। और ठीक हो सर? सब बेहतरीन है, आप बताएं कैसे हैं? चलो भगवान की दुआ है, ठीक ही रहें जी। अच्छा दो तो सवाल थे सर और दो बातें शेयर की। एक डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में प्रैक्टिस कर रहा है, 22 साल से डॉक्टर है। उसकी घरवाली को कम से कम भी 16-17 साल हो गए, उसका जुकाम ही नहीं ठीक हो रहा है उससे। इंजेक्शन लगाता था और दवाई देता था और ठीक हो जाती थी, फिर बीमार 10वें दिन। तो उसको मैंने दवाई लेने आया था, तो मैंने उसको बताई थी कि मैं तू खुद बना दे, अपने हाथ से बना दे, तो वो दवाई ले गया सर। और उसकी घरवाली को कम से कम भी 55-60% आराम आ गया 20-22 दिन में। बड़ी बात, भगवान की बहुत अच्छी जी। और सर एक मरीज आया था मेरे पास, उसके सर में गांठ है कोई, अभी कंफर्म नहीं हो पाया पूरा, उसको ब्राउन दूसरी बीमारी कैंसर है या कोई गांठ है। तो सर उसको क्या देना चाहिए? और सर एक की आंखों की रोशनी बताई थी ना मैंने आपको, उसकी नसें ना पीछे से सुकड़ गई है, तो उसको शुगर भी है सर। उसके लिए मैंने बोला तो है उसको, लेकिन सर आप भी बता दो, वो टीवी देख रहे हैं इस टाइम, थोड़ा सा उनको भी कंफर्म हो जाएगा कि भी क्या दें क्या ना। धन्यवाद सर। ठीक है सर जी। हाँ देखिए, आपने तो डॉक्टर की बीवी का भी इलाज कर दिया। देखिए ऐसी फैलती है बात और फैलती चली जाती है, जब आप एक अच्छा काम करते हो तो लोग आपके जुड़ते हैं, डॉक्टर भी जुड़ते हैं, हकीम भी जुड़ते हैं। नुस्खा आपके पास ईमानदारी वाला होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा ये बात सुन करके, इतनी पुरानी मरीजा को आपने अच्छा कर दिया। और क्या सवाल? नसें सुकड़ जाना दिमाग की और शुगर भी है उनको। हाँ देखिए शुगर का तो इलाज करते रहे, और वो शुगर के लिए हम वो भी देते हैं गौन चिलगोजा। अच्छा देखिए कैसे लेना है नुस्खा, इनको अलग तरीके से लेना है। अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, ज़्यादा नहीं भूनना। अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, और एक चम्मच अलसी और एक चुटकी गौन चिलगोजा ये खा लें, और ये जो खाने का सोडा होता है ना, बेकिंग पाउडर मीठा सोडा, एक चुटकी पानी मिला के इस पानी से खा लिया करें दिन में दो बार। और गाजर का मौसम हो तो गाजर खाएं या गाजर का जूस पिए। अगर गाजर का मौसम नहीं हो तो सौंफ खाएं या सौंफ का पानी पिए और कसरत से पिए, और भगवान से खूब मदद मांगें
तो आपको फायदा मुमकिन है जी। निशा है नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार निशा जी। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत निशा जी। सर मेरे को सफेद पानी की शिकायत है। उम्र कितनी है आपकी? 28। और मेरे बाल भी सब झड़ गए, पतले से बहुत हो गए। ठीक है जी। एक नुस्खा और बहुत सारे फायदे जिसमें आपके बालों का भी फायदा और आपके सफ़ेद पानी को भी फायदा। सफ़ेद ये करें कि इसबगोल की भूसी, जिसे सत इसबगोल भी कहते हैं और बहुत नामों से जानते हैं, ये हर मेडिकल स्टोर पर मिलती ही है। मैंने तो देखा गाँवों में मिलती है ये सफ़ेद सा एक बारीक बारीक पाउडर, जो इसबगोल की भूसी कहते हैं या भूसी इसबगोल कहते हैं या सत इसबगोल कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है। ये खरीद लें और ये खरीद लें और एक चम्मच भर के गरम दूध में डाल देंगे और मिक्स करें, नहीं तो गांठे पड़ जाएंगे। चम्मच हिलाते रहें तो ये मिक्स हो जाता है। और इसमें एक चुटकी गौंद चिलगोजा मिला दें, एक चुटकी में बस। बहुत तेज़ होता है ये, असली लें, ये नकली भी बहुत मिलता है और तेज़ भी बहुत होता है। एक चुटकी गौंद चिलगोजा इसमें मिला दें दूध में, और शुगर नहीं हो तो मीठा वगैरह मिला लें इसमें अपने जायके का, और इसे रोज़ाना एक बार खा लिया करें या दो बार खा लिया करें, बस काफ़ी है। सुबह या रात में, सुबह नहार में और रात को सोते वक्त, इसकी पूरे दिन में एक या दो खुराक ली जा सकती है। लेकिन ख्याल रहे गौंद चिलगोजा बहुत तेज़ होता है, एक चुटकी से ज़्यादा ना डालें। इसबगोल की भूसी एक चम्मच डालें और दूध में मिलाकर आप इसे पी लिया करें, आपको दोनों फायदे होना मुमकिन है जी। हैदराबाद से हैं आयशा, स्वागत है आपका। आयशा आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, आप फिर से कॉल ट्राई कर लीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दर्शकों, अगर आप अपनी और हकीम साहब की बातचीत सुनना चाहते हैं, उसके लिए आप हकीम साहब के YouTube चैनल पे जाके सुन सकते हैं। आपकी और हकीम साहब की बातचीत का एक वीडियो क्लिप हम YouTube पे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ पे जाके दोबारा से और कई बार जो बातचीत आपकी होती है वो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार दर्शक लिख नहीं पाते हैं नुस्खे, कई बार वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको नुस्खा बनाना कैसे है, उनका सेवन कैसे करना है, कौन कौन से एहतियात बरतने हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए भी आप YouTube चैनल पे जा सकते हैं। टाइप कीजिएगा YouTube पे जाके हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आप तमाम नुस्खे हकीम साहब के देख सकते हैं। अगले कॉलर है सतीश कुमार जी, स्वागत है आपका। जी जी नमस्ते। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? यूपी से। आपका सवाल? जी मुझे कब्ज गैस एसिडिटी की समस्या है, क्यों से बात सकती है? जी बात हो रही है, कब्ज गैस एसिडिटी की समस्या है, और बताइए। जी जी मुझे लगभग 20 साल से जो है हो रही है लीवर की। जी मेरे अंदर बाहर से बहुत ही फटते हैं और एसिडिटी रहती है। समझ रहे हैं आप? आपको लीवर की प्रॉब्लम भी है, एसिडिटी भी है, कब्ज भी है, गैस भी है और अंदर बात तो हो सकते है मेरे अंदर। सर आखिरी बात आपकी समझ में नहीं आई है, आपको लीवर की? सर दोबारा बता दीजिए एक बार, और क्या दिक्कत परेशानी है? मुझे लीवर कब्ज गैस एसिडिटी होती है, खाना हजम नहीं होता। ठीक है। और मुझे जो है होश भी रखते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आ पा रही, लास्ट में क्या बोलते हो आप, आराम से बोलो। होठ फटते हैं, होठ आपके होठ फटते हैं। कब्ज गैस एसिडिटी, पित्त बनता है, गैस बनती है और मेरे होठ भी फटते हैं। होठ फटते हैं।
हमें चक्कर में डाल दिया आपने। अच्छा देखिए, जिसको भी लीवर की समस्या होती है, उसको एसिडिटी की भी समस्या होती है, कब्ज की भी, और पेट की समस्या उसे होना ज़रूरी है। तो आप खबरदार हो जाइए, लीवर की समस्या बहुत चल रही है। और मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप उसे तैयार करें और दिन में दो बार लें कम से कम, खाने से पहले या खाने के बाद। देखिए, सौंफ, धनिया, आंवला, सौंफ, धनिया और आंवला ये सूखा हुआ ले 100-100 ग्राम, और इसको पाउडर बना के रख लें। खाने से पहले या खाने के बाद इसका एक एक चम्मच लेना है, लेकिन लेना है, एक आता है नमक जैतून, असली लेना, ये नकली भी बहुत मिलता है, नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिलाएं, एक गिलास या दो गिलास, और इस पानी से आप ये सौंफ, धनिया और आंवले का पाउडर का चूर्ण एक चम्मच भर के खाएं और ये पानी पी लें। दिन में दो बार पिए तो बहुत अच्छा है, खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी। लेकिन याद रहे, बाकी चीज़ें तो आप पहचानते ही, नमक जैतून आप नहीं पहचानते, ये एक विशेष नमक है जो लीवर के लिए है और पेट के लिए। ये देखने में नमक जैसा होता है, स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये आपको असली लेना है, नहीं तो आपके साथ कोई दुकानदार धोखा कर सकता है। इसलिए आप असली ही लें, और आप इसे 3-4 महीने इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी।